कन्या को शीघ्र बुलाया जाए। गेट बेला। माहिर जी कहाँ हैं? बेटा बैठ जाओ ना, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, आओ। आइए जल्दी बैठिए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। शर्त के पैसे अगर कैश में नहीं देने हैं तो मैं काइंड में भी ले सकता हूँ। मैं यू नो ना व्हाट आई ओ माँ अपवित्रा पंडित जी क्या गुड़ 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 कर रहे हैं, जोर से बोलिए जरा। पुनन्तु मा देवा जना पुनन्तु मनसा दिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदा पुनि। युवी को तो मैंने मार दिया, फिर ये सहरे के पीछे कौन है? अब दोनों वर अपना दोनों हाथ आगे ले आए। युवराज जी आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? की घड़ी का स्ट्रैप इसे ठीक कर लीजिए ना प्लीज। दोनों कन्याएं अपना हाथ आगे बढ़ाएं और माता जी को नमन करें। अपना हाथ आगे लाइए। बेला माहिर जी There you go. कहानी में ट्विस्ट। युवी जी कहाँ? हाँ? क्या देख रहे हैं सब? किसी को पता है युवराज जी कहाँ है? माहिर जी आपको पता है आपका भाई कहाँ है? आप यहाँ मेरे साथ सहरे में अपना मुंह छुपा के बैठे हैं। आपको पता है आपका भाई कहाँ है? अरे कोई तो बताओ कहाँ है युवराज? चला गया वो। वादा किया कि जब तक आप हैं कुछ गलत नहीं होगा, आप सब ठीक कर देंगे। फिर ये इन्हीं ने कहा था मुझसे और आप यहां पे बैठ के मेरे साथ ये। बेला What is this going on? ये सब क्या हो रहा है? Damn it!
I don't care. जाके लेके आओ उसे वापस. आज यहाँ शादी होकर रहेगी. I'm telling you. Go. एंडी, एंडी अब क्या करोगे? नीला में अगर कोई मिल जाए मेरे बेटे से शादी करने वाली, मुझे बताना. ओके? हे, तुम कहाँ जा रही हो? अब 5 लाख मिले हैं तो बैग तो लगेगी. पंडित जी, आप मंत्र पढ़ना चालू करिए. आज यहाँ पर किसी की शादी हो ना हो, मेरे बच्चों की होगी. बेला, बेला, बेटा बात सुनो. बेला रुको, बेला, बेला, मेरी बात सुनो बेटा. मुझे सच में बिल्कुल नहीं पता था कि सच्चा इस तरह मेरे सामने आ जाएगी. क्या सोचा? गरीब सी लड़की, इसका क्या है? इसके लिए बस शादी का होना जरूरी है. इसके साथ हो रही है ये जानना जरूरी नहीं. नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था. मैं तो एक माँ बन के सोच रही थी, तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही थी. और मेरा माहिर बिल्कुल बुरा नहीं है. वो तो सबसे अच्छा बेटा है मेरा. कौन कैसा है कुछ नहीं जान. आपके बेटों की अच्छाई उनकी बुराई उन्हीं को मुबारक. और सही कह रही हैं आप, आपने ये सब माँ बन के किया, लेकिन मेरी नहीं, अपने बेटों की. बेटा, अगर मुझे जरा सा ये एहसास होता कि युवराज क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है, तो मैं कभी भी ऐसा होने नहीं देती. बेटा, मैं तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देती. बेटा, आपकी इसी बात पे भरोसा किया था मैंने कि कुछ भी हो जाए, आप और माहिर जी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दें. लेकिन आप दोनों ने मिलके मेरा यकीन मान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. मुझे माफ कर दे. आप मुझे माफ कर दीजिए. और आप अपने अच्छे बेटों की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दीजिए. मैंने आपके दिए हुए कपड़े और गहने रख दिए, क्योंकि यहाँ से तो मैं सिर्फ आपकी दी हुई बेइज्जती लेकर जा, जो हमेशा मेरे और मेरे पापा के. पापा, पापा, पापा रुकिए. भाई साहब, पापा कहाँ जा रहे हैं? पापा रुकिए. भाई साहब, बेला, क्या सोचकर मैंने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलवाया था और क्या हो गया? अब लोग तो यही कहेंगे ना, जिस घर का लड़का शादी का मंडप छोड़कर भाग गया, वो बिजनेस छोड़कर भाग गए तो इस यूवी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरे लिए, सब कुछ. शासन परिधाय स्त्री सप्ता सामिधा कृता. अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है एंडी. Are you serious? अरे यार, एक तो ये तेरा पंजाबी खून है ना, दो दो मिनट में उबलने लगता है. मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है जो तुम्हारे घर के लिए बेटर बहू ही नहीं, बेटर इन्वेस्टमेंट भी होगी. मतलब किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे पता था यही होगा. अब आगे भी वही होगा जो मैं चाहती हूँ. अब दरवाजे पे कोई आएगा और बहुत गिड़गिड़ाएगा. आएगा, 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 आएगा आने वाला आएगा. Yes, Mr. Sehgal. Miss Khanna, मैं आपके लिए एक प्रपोजल लाया, एक परफेक्ट प्रपोजल. एंडी, मैंने बेला को बहुत समझाने की कोशिश की, वो मानने को तैयार नहीं है. That's fine. What do you mean fine?